संघर्षों की कहानी हमेशा हमारे बीच रहेगी। का निधन बहुत ही दुखद है, यूपी की राजनीतिक दृष्टि से भी, देश की राजनीतिक दृष्टि से भी। पूरा यूपी आस में बैठा था कि वो इस समय मेदांता में इलाज करा रहे हैं, जल्द स्वस्थ होकर के आएंगे, लेकिन आज दुखद समाचार मिला है। मैं भी इस समाचार से दुखी हूँ, और जो उनके परिजन हैं, समर्थक हैं, उन सब को भगवान यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। कितनी बड़ी क्षति है। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से तो मैं अगर कहूँ कि एक युग का अंत हुआ है तो गलत नहीं होगा। मुलायम सिंह जी की जो राजनीति थी वो एक अलग प्रकार की राजनीति थी। मैं व्यक्तिगत तौर से तो उनसे बहुत कभी संपर्क में जुड़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन उनके बारे में जो सुना हूँ, जाना हूँ, उसमें यही है कि वह राजनीतिक क्षेत्र में जो भी कभी भी कोई भी समस्या लेकर के आया, वो पावर में रहे हैं तो, पावर से बाहर रहें तो भी जितनी मदद करने की उनकी क्षमता होती थी वो मदद करने का काम करते थे। और राजनीति में रहने वाले के अंदर यह भाव रहना चाहिए। मुलायम सिंह जी ने एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया है अपने राजनीतिक जीवन में, और वह जो भी राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से समाज और देश की सेवा करते हैं उनके लिए मिसाल बनेंगे। डिप्टी सीएम केशव, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव कभी पहलवानी, उसके बाद टीचिंग के पेशे में आने वाले मुलायम सिंह यादव ने जीवन में कई तरह की मुश्किलें देखी हैं। वह कई दलों में शामिल रहे और अब बड़े नेताओं की शागिर्दी भी की। इसके बाद उन्होंने अपना दल बनाया और एक दो बार नहीं बल्कि यूपी में 3 बार सत्ता संभाली। यूपी की राजनीति जिस धर्म और जाति की प्रयोगशाला से होकर गुजरी, उसके एक कर्ता धर्ता मुलायम सिंह भी रहे। साल 1960 में मुलायम राजनीति में उतरे। करीब 6 दशक से, यानी 60 साल से किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले मुलायम सिंह यादव राजनीति में अगला कौन सा कदम उठाएंगे, ये जानकारी उनके बगल खड़े इंसान को भी नहीं होती थी। मुलायम सिंह यादव राजनीति में विजय होते रहे हैं और किंग बनते रहे हैं। 28 साल की उम्र 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी SSP के उम्मीदवार के रूप में इटावा की जसवंत नगर से पहली बार विधायक चुने गए थे नेताजी। 80 के दशक में मुलायम सिंह लखनऊ में अक्सर साइकिल की सवारी करते हुए नजर आ जाते थे। कई बार वह साइकिल पर सवार होकर न्यूज़पेपर के ऑफिस भी पहुंच जाते थे। इटावा जिले के सफही गांव में 22 नवंबर 1939 को जन्मे मुलायम सिंह यादव ने साधारण परिवार से निकलकर प्रदेश और फिर केंद्र की राजनीति तक का सफर तय किया गया। जनता के बीच किसान नेता, नेताजी और धरती पुत्र जैसे नामों से प्रसिद्ध मुलायम सिंह यादव बेहद ही सिंपल और साधारण व्यक्ति थे। मुलायम सिंह यादव 1977 में पहली बार राज्य मंत्री बनाए गए। साल 1980 में वह यूपी में लोक दल के अध्यक्ष भी रहे, जब लोक दल जनता दल बन गया। तब 1982 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनाए गए।